So hey guys, welcome to another new video of Random One YouTube channel. So let's go ahead and look into this today. So the subject name is Database Management System for SY BSc IIT Mumbai University. Semester is 3, practical number is 2B. Question is aggregating data using group functions. So we will be aggregating the data using the group clause. So let's go ahead to the editor now. तो गाइस हम लोग जो एडिटर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास 10 से 11 स्टेटमेंट्स है प्रैक्टिकल 2B के लिए जो कि हम सॉल्व करेंगे और एग्रीगेट फंक्शंस जो कि हमें प्रैक्टिकल में क्वेश्चन में दिया गया था वो जो है अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला स्टेटमेंट है हमारा डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। हमें जो है टोटल सैलरी डिस्प्ले करना है सारे एम्प्लॉयज़ का, तो हमें जो है प्रॉपरली एडअप करना है। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक सम फंक्शन है, तो चलिए उसके लिए जो मैं अभी क्वेरी लिख देता हूँ। तो गाइस हम लोग ने जो है क्वेरी लिख दिया है और यहाँ पे जो है मैंने सम मेथड का यूज़ किया है और सम मेथड में जो है मैंने सारे एम्प्लॉयज़ का जितना भी सैलरी है वो सब जो है ऐड अप होगा और उस कॉलम का नाम जो है मैंने सैलरी करके दे दिया है और वो जो है हमारे एम्प्लॉय टेबल से है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं इस क्वेरी में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी है 29025, वो जो है अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है सम होके सारे एम्प्लॉयज़ का। तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है डिस्प्ले मिनिमम कमीशन ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें जो है उन एम्प्लॉय का कमीशन डिस्प्ले करना है जो सबसे कम हो, तो मिनिमम कमीशन जो है अभी हमें वो डिस्प्ले करना है। तो चलिए उसके लिए जो है हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस सामने यहाँ पे जो है मिनिमम कमीशन के लिए क्वेरी लिख दिया है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक MIN मेन करके जो है मेथड का यूज़ किया है जो कि हमें मिनिमम वैल्यू बताता है पूरे सारे वैल्यूज़ में से और उस कॉलम का नाम जो है मैंने कॉम करके दे दिया है। चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं क्वेरी है कि नहीं इस क्वेरी में। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा मिनिमम कमीशन जो हमारे पूरे टेबल में है वो है 0, तो वो जो है अभी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए थर्ड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है डिस्प्ले लोएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो है हमें लोएस्ट सैलरी डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय का, तो चलिए उसके लिए जो है हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस हमने जो है यहाँ पे क्वेरी लिख दिया है और यहाँ पर भी जो है क्योंकि हमें लोएस्ट या मिनिमम चाहिए रहता तो हम जो है MIN जो कि हमारा मिनिमम फंक्शन है SQL के अंदर वो जो है यूज़ करते हैं, तो हमें जो है लोएस्ट सैलरी चाहिए जो कि हमारा मिनिमम सैलरी है। तो उसके लिए जो है मैंने क्वेरी लिख दिया है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सबसे लोएस्ट सैलरी एक एम्प्लॉय का है 800, वो जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए इसके बाद जो है फोर्थ स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें जो है सारे एम्प्लॉयज़ का काउंट बताना है, तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने क्वेरी लिख दिया है और यहाँ पे जो है मैंने काउंट मेथड यूज़ किया है जो कि हमारे पूरा टोटल दे देता है जितना भी वैल्यूज़ है। अगर हमारे पास 20 रिकॉर्ड रहेंगे तो हमें काउंट जो है 20 आएगा, अगर हमारे पास 10 रिकॉर्ड है तो काउंट जो है 10 आएगा, जितना भी रिकॉर्ड्स है वो जो है हमें काउंट करके बताएगा। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे टेबल में जो है टोटल 14 रिकॉर्ड्स है एम्प्लॉय के टेबल में, तो वो जो है हमें टोटल 14 एम्प्लॉयज़ जो है शो हो चुके हैं। तो चलिए अभी फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है डिस्प्ले एवरेज कमीशन ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें जो है एवरेज कमीशन बताना है एम्प्लॉय का, तो चलिए उसके लिए जो है अभी मैं क्वेरी लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है हमने फिफ्थ क्वेरी लिख दिया है। यहाँ पे जो है हमने AVG करके हमारे एक मेथड है SQL के अंदर जो कि हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, तो यहाँ पे जो है AVG वो मेथड हमने यूज़ किया है कमीशन के ऊपर और हमने जो है उस कॉलम का नाम एवरेज कॉम करके दे दिया है और उसको जो है हमने डबल कोट्स के अंदर रखा है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं अभी। तो जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो हमारा टोटल एम्प्लॉयज़ का एवरेज कमीशन है 550, तो वो जो है हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए अभी सिक्स स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सिक्स स्टेटमेंट है डिस्प्ले सैलरी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पर जो है अभी हमें सैलरी डिस्प्ले करना है अकॉर्डिंग टू दर डिपार्टमेंट वाइज। तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिख दिया है, तो यहाँ पे जो हमने सम मेथड का यूज़ किया जो कि इससे पहले भी किया था जहाँ पे जो है हम सारे सैलरी को जो है एडअप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज लगा दिया तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट जो है वो सम कर देगा सारे सैलरी का उस डिपार्टमेंट के लिए। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं अभी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो है डिपार्टमेंट 10 का जो है टोटल सैलरी सम अप होकर आ चुका है 8750, डिपार्टमेंट 20 के लिए आ चुका है 10875 और डिपार्टमेंट 30 के लिए जो है 9400 आया है। तो गाइस जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो हमें जो है हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो है टोटल सम अप सैलरी जो है अभी मिल चुका है। तो चलिए इसके बाद जो है अभी हम सेवन्थ स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेवन्थ स्टेटमेंट है डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय विथ मिनिमम सैलरी। तो हमें जो है सैलरी डिस्प्ले करना है मिनिमम सैलरी उस एम्प्लॉय के नेम के साथ, तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने क्वेरी लिख दिया है, तो इसमें जो है हमने सेलेक्ट मिन मेथड का यूज़ किया जो कि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं और उसका कॉलम नेम जो है हमने सैलरी दे दिया और उसके साथ साथ जो है हमने एम्प्लॉय नेम भी यहाँ पे लिख दिया है, तो एम्प्लॉय नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर जो है ग्रुप बाय किया है एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंगली। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं अभी।
तो गाइस हमें जो है आउटपुट आ चुका है और हमें जो है सारे एम्प्लॉय का नेम और उनका सैलरी जो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच डिपार्टमेंट अर्निंग सैलरी मोर देन 1000। तो हमें जो है उस डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जो है डिस्प्ले करना है जिनका सैलरी 1000 से अबव है और अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वाइज। तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट क्वेरी लिख दिया है और यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर करा है क्योंकि यहाँ पे जो है हमें डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर करना है और यहाँ पे जो है सारे एम्प्लॉयज़ का मैंने काउंट लिया है जिनका भी सैलरी 1000 के अबव हो और उनको जो है ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर कर दिया है। तो चलिए अभी इस क्वेरी को रन करके देखते हैं प्रॉपर आउटपुट आता है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट नंबर 10 में हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ है जो 1000 के अबव अर्न करते हैं और वैसे डिपार्टमेंट 20 में है 4 एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट 30 में है 5 एम्प्लॉयज़। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्प्ले डिपार्टमेंट विथ एवरेज सैलरी बियॉन्ड 2000। तो हमें जो है उन डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करना है जिनका एवरेज सैलरी 2000 के अबव हो। तो चलिए उसके लिए जो अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने क्वेरी लिख दिया है। तो यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर करा है क्योंकि हमें जो है डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना था और उनका एवरेज सैलरी जो भी है वो जो है अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैंने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर किया है क्योंकि हमें जो है डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर करना है। और यहाँ पे जो है हमने हैविंग क्लॉज यूज़ करके चेक किया है जिनका भी एवरेज सैलरी 2000 के अबव होगा उनका जो है उनका जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिस्प्ले होगा। तो चलिए अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो है बिना कोई एरर का आउटपुट आ चुका है और हमारे डिपार्टमेंट 10 में एवरेज सैलरी अबाउट 2916 है और डिपार्टमेंट 20 में है 2175। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज कमीशन विद इन रेंज ऑफ 100 to 600 एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर डिपार्टमेंट। तो हमें जो है डिपार्टमेंट नंबर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनका कमीशन रेंज है 100 से 600 के बीच में और मिनिमम 2 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो डिपार्टमेंट के लिए, तो उन्हें जो है अभी हमें डिस्प्ले करना है। तो चलिए उसके लिए जो है अभी मैं क्वेरी लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिख दिया है तो चलिए एक बार क्वेरी को गो थ्रू कर दे। तो यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर लिखा है तो यहाँ पे जो है मैं डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है तो वो जो है मैं यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शो करना है तो इसलिए जो है मैंने काउंट एम्प्लॉय आईडी लिया है और इस कॉलम का नाम दे दिया है मैंने एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे जो है हम सारे एम्प्लॉयज को काउंट करेंगे और यहाँ पे जो है मैंने वेयर कंडीशन दिया है, वेयर कंडीशन में मैंने कमीशन दिया है बिटवीन 100 to 600। तो हमें जो है जो भी एम्प्लॉयज 100 से 600 के बीच में कमीशन है उन्हें ही सिर्फ कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो है हमने इसको पूरा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करा है और यहाँ पे जो है हैविंग में काउंट चेक किया जहाँ पे भी एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज हो या उससे ज़्यादा हो। तो चलिए अभी इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं इस क्वेरी में। तो गाइस जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट नंबर 30 में जो है 2 एम्प्लॉयज है क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज, तो वो जो है 2 एम्प्लॉयज से ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसलिए जो है हमें डिपार्टमेंट नंबर 30 डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट स्टेटमेंट है डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद ए फॉर ईच जॉब हैविंग टोटल सैलरी बिलो 5000, अरेंज द आउटपुट अकॉर्डिंग टू जॉब। तो यहाँ पे जो है हमें टोटल सैलरी डिस्प्ले करना है उन एम्प्लॉयज़ का जिनका नाम स्टार्ट होता है ए के साथ और जिनका सैलरी जो है 5000 से कम हो और उसको जो है प्रॉपरली सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब। तो चलिए अब इसके लिए जो है मैं क्वेरी लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिख दिया है तो चलिए अभी क्वेरी को गो थ्रू करते हैं। तो हमारा पहले मैंने लिखा है सेलेक्ट, फिर उसके बाद जो हमने सम मेथड यूज़ किया है क्योंकि हमें जो है टोटल सैलरी चाहिए था तो मैंने सैलरी को जो है टोटल सम अप कर दिया है। उसके बाद जो है उस कॉलम का नाम दे रहे हैं हम सैलरी और हमें क्योंकि जॉब भी डिस्प्ले करना है उनका जॉब और एम्प्लॉय नेम जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो इसलिए जो है जॉब और ई नेम भी जो है हम डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे जो है एम्प्लॉय टेबल से डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने वेयर कंडीशन में चेक किया है एम्प्लॉय का नाम जो है ए से स्टार्ट होना चाहिए लाइक ए परसेंटेज, तो यहाँ पे जिनका भी नाम ए से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में ए लेटर रहेगा वो जो है सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा डिस्प्ले होगा अगर आगे का कंडीशन सेटिस्फाई किया तो। और यहाँ पे जो हमने ग्रुप बाय जो है जॉब और ई नेम कर रहे हैं, फिर उसके जो है हैविंग में चेक कर रहे हैं कि सैलरी जो है 5000 के कम हो, सम सैलरी जो है 5000 से कम हो और उसके जो है ऑर्डर बाय जॉब कर रहे हैं। तो चलिए अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो है बिना कोई एरर का आउटपुट आ चुका है और हमारे पास जो है दो एम्प्लॉयज़ है जिनका पूरा कंडीशन मैच करता है, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, जिनका टोटल सम सैलरी जो है 5000 से कम है, तो वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और क्योंकि हमने ऑर्डर बाय जॉब किया था तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है ए बी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, ऑर्डर हुआ है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन आती रही। इन सारे क्वेरीज का जो है मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वहां से इस फाइल को डाउनलोड करके इन क्वेरीज को यूज कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।